सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे जो BMS बोर्ड होता है उसको क्यों हम लगाते हैं, क्यों हम इसको लगाना चाहिए और इसका क्या काम होता है, क्या प्रोटेक्शन हमको मिलता है बैटरी में, और गाइस ये कौन सी बैटरी में यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस चलिए, और इसका यूज़ कैसे करना है और इसका कनेक्शन कैसे करना है आपको यहाँ पर बहुत सारे और दिख रहा होगा, और इसका कनेक्शन कैसे करना है वो भी जानेंगे। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस पहले हमें जानना चाहिए कि BMS क्या होता है। सो गाइस BMS होता है एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और गाइस आपको बैटरी में का नाम सुनते ही याद आ गया कि इस बैटरी में यूज होते हैं। और गाइस ये कौन सी बैटरी में यूज होता है आपको दिखा देते हैं। आपको इस टाइप से जो लिथियम बैटरी मिलता है यहाँ पर दिखा होगा आपको 3.7 वोल्ट का ये बैटरी है। इस टाइप का जो बैटरी मिलता है इसमें ये इस टाइप का BMS का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और गाइस ये क्यों यूज़ किया जाता है, इस टाइप के बैटरी अगर ओवर चार्ज हो जाता है तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है, फट भी सकता है, ओवर चार्ज, ओवर हीटिंग, और गाइस इसका कुछ प्रोटेक्शन जब के लिए इस टाइप के BMS का यूज़ किया जाता है। और गाइस इस BMS बहुत टाइप का होता है, 3S, 4S, 7S, 8S, ठीक है, इस टाइप का होता है। और गाइस BMS क्या होता है आप आज की इस वीडियो में वो भी बताएंगे, और इसका क्या क्या काम होता है आपको बता दिया, जो इसका प्रोटेक्शन के लिए ये यूज होता है, ठीक है, बैटरी का प्रोटेक्शन, ठीक है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो गाइस चलिए इसका कैसे यूज़ किया जाता है बैटरी में और इसका कनेक्शन कैसा होता है वो आपको समझाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ड्राइंग जो कंप्लीट कर लिया है, और गाइस यहाँ पर आपको कनेक्शन बताएंगे, ठीक है। ये जो हमारा BMS होता है, ये हमारा BMS है, और यहाँ पर जो बैटरी होता है 3.7 वोल्ट का, यहाँ पर हमने बैटरी को ड्राइंग कर लिया है, ठीक है, और इसका कनेक्शन कैसे होता है वो आपको दिखाएंगे, ठीक। गाइस यहाँ पर आप पहले BMS को देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या है इनपुट आउटपुट यहाँ पर आपको लेना है और देना है, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन होता है वो आपको समझाएंगे कैसे करना है। चलिए तो इस पहले आपको क्या करना है, ये 12 वोल्ट का सर्किट है, आपको यहाँ पर बैटरी को सीरीज में कनेक्शन कर लेना है। कैसे करना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है इसको, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। ओके, ये क्या हो गया 12 वोल्ट प्लस, और यह होगा हमारा 12 माइनस। ओके, पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी का प्लस पॉइंट है उसको आपको लेके बैटरी के प्लस से जोड़ देना है, ठीक है, और जो हमारा माइनस रह गया वो आपको यहाँ पर जोड़ देना है, और आपको यहाँ पर दो बाकी रह गया, ये हमारा 3S का बोर्ड है। 3S का बोर्ड पहले आपको क्या करना है, यह सेक लेना है जहाँ पर यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर आपको लिखा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको जोड़ना है 3.7 वोल्ट, और गाइस यहाँ से हमारा जो 3.7 वोल्ट होता है भी आप यहाँ पर से आउटपुट होगा। तो गाइस यहाँ पर हम इस ऐसे इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 7 वोल्ट होता है 7.4 वोल्ट वो आपको यहाँ पर से आउटपुट होगा, इसको आपको यहाँ पर से लेके इस टाइप से यहाँ पर आपको जोड़ देना है। ओके, ये देखें यहाँ से लेके आपको इस टाइप से यहाँ पर आपको जोड़ देना है, और जो हमारा 3 वोल्ट ये हमारा जो 3.7 वोल्ट हो गया वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यहाँ पर से लिया है, ये हमारा हो गया ये जो है 3.7 वोल्ट का, और ये यहाँ पर जो है ये हमने लिया है 7.4 वोल्ट का। ओके, ये हो गया हमारा कनेक्शन, और यहाँ पर जो कनेक्शन है ये 12 वोल्ट का, यहाँ पर 12 वोल्ट माइनस, ठीक है। और गाइस यहाँ पर जो दोनों टर्मिनल आपको रहेगा बाकी जो पी प्लस और पी माइनस, यहाँ पर से आपको आउटपुट मिलेगा ओ यू टी आउट, और गाइस यहाँ पर आपको इन करना है, ठीक है, यहाँ पर आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर से मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर आपको इनपुट देना है। आप अगर चाहते हैं जो इस यहाँ पर से हमें ज़्यादा बैकअप मिले, ज़्यादा देर बैटरी चले, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको और बैटरी सेम तरीके से जुड़ लेना है। कैसे जुड़ लेना है आपको दिखाते हैं, तो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जैसे भी हो दो बैटरी यहाँ पर सीरीज में जोड़ लेंगे, कैसे आपको जोड़ना है वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस टाइप से इसको जोड़ देना है, ठीक है,
सबको पहले हम जोड़ देते हैं, और यहाँ पर हमें जो ये रहेगा ये सब हमको इसको यहाँ पर जोड़ देना है, यहाँ पर जोड़ देना है, और इसको लेके यहाँ पर जोड़ देना है, यहाँ पर जोड़ देना है, और ये जो टर्मिनल रहेगा वो हमको इस टाइप से यहाँ पर जोड़ देना है और यहाँ पर इसे जोड़ देना है। ठीक है, तो गया ये हमारा तीन बैटरी एक साथ हो गया, यहाँ पर जो तीन बैटरी रहेगा वो हमारा एक साथ हो गया, और यहाँ पर जो तीन बैटरी रह गया वो हमारा एक साथ रहेगा। और गाइस यहाँ पर हमें सेम 12 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन गाइस जो इसका बैकअप होता है वो ज़्यादा देर मिलेगा। ठीक है, तो गाइस जब आप ये BMS बोर्ड है इसका आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे तब इसके अंदर आपको 3S 4S 7S मिलेगा, और वो एस क्या होता है आपको बताते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 4 7S लिखा गया है, वो क्या होता है, ये हमारा हो गया 12 वोल्ट का। ठीक है, और अगर इस 12 वोल्ट में क्या होता है आपको तीन बैटरी सीरीज में कनेक्शन करना था है, और अगर जब इससे आप ज़्यादा वोल्टेज लेंगे तब इस पर आपको बैटरी भी सीरीज में भरना चाहिए। ठीक है, तभी इसके साथ ज़्यादा वोल्ट निकलेगा। तो इस वही होता है जब आप 4S का लेंगे तब यहाँ पर आपको क्या है तीनों बैटरी का सीरीज है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब 4S का लेंगे यहाँ पर हमने 3S का जो बोर्ड रहता है बोल लिया है, तभी हमने यहाँ पर 3 सेल को हमने यहाँ पर सीरीज में जोड़ा है। जब यहाँ पर आप 4S लेंगे तब आपको 4 बैटरी आप 4S में आपको 4 बैटरी लेना है, 4 बैटरी आपको इस तरह से जोड़ लेना है ऐसे सेम तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम 3 लिया है वो यहाँ पर आपको और एक बैटरी होगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पर इसे जोड़ देना है, और गाइस यहाँ पर आपको और भी और मिलेगा, जब यहाँ पर B2 लिखा है वहाँ पर आपको B3 भी मिलेगा, मिडिल में एक और होता है वो लेके आपको B3 में जोड़ देना है। सेम तरीके से जब आप 4S का लेंगे 5S का लेंगे 7S का लेंगे सेम उसी तरीके से एक बैटरी का सीरीज आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, यही होता है जो 4S 3S का बोर्ड होता है। तो इस वीडियो पर आपको अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके।